कस्टमाइज्ड वॉश बेसिन एरिया बनाया है, ये तो हमारा इस ऑफिस के अंदर में डाइनिंग एरिया के अंदर बना हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये सेम चीज हम बाथरूम के अंदर या अपने घर के भी किसी एरिया के अंदर बनवा सकते हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि ये जो व्हाइट कलर की बेसिन देख रहे हैं आप, ये पूरी बैकलिट, बैकलिट का मतलब है कि इसके नीचे जब लाइट जलती है तो ये लाइट इस सर्फेस के थ्रू बाहर आके पूरे सर्फेस को लिट कर सकती है। जैसा आप देख रहे हैं इसके पीछे हमने लाइट लगाई हुई है, जो लाइट इसके थ्रू एंड थ्रू होकर ये इसको बैकलाइट कर रहे हैं। ये ऑनिक्स का सरफेस है, ये ट्रांसलूसेंट होता है, अगर इसके पीछे में हम लोग लाइट चलाएंगे तो ये लाइट इसके थ्रू एंड थ्रू जाएगी। अभी देखिए इसके पीछे में हम लोग लाइट लगा रहे हैं तो इसके पीछे में अपने को लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन कैसा है कि ये लाइट डिस्टेंस से इसकी इंटेंसिटी वेरी कर रही है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम बहुत पास इसको लाइट लगा देंगे तो ये ऐसा एक एक स्पॉट फॉर्म कर लेगा, तो उसके और सरफेस के बीच में एटलीस्ट 2 इंच का गैप होना चाहिए, तो आप देखिए कि लाइट थोड़ी यूनिफॉर्म आएगी। उसी तरह से इस ऑनिक्स को जोड़ के हमने इस बेसिन का यह स्टैंड बनाया है, जिसके पीछे भी अगर हम लाइट जलाते हैं तो देखिए पूरी लाइट दिखाई देती है, और अगर पूरी इसके पीछे जब लाइटिंग पूरी हो जाएगी तो ये पूरी लाइट दिखाई देगी। लोग देखेंगे कि इसके अंदर का जो सिस्टम है वो कैसे किया हुआ है, और अगर आप भी अपने घर के अंदर ये सामान करना चाहते हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में भी इस तरह की चीजें मिलती हैं, लेकिन वो चीज एक स्टैंडर्ड सामान के हिसाब से रहती है, लेकिन अगर आपको अपने स्पेस में कुछ एक कस्टमाइज डिजाइन बनाना है तो उसके लिए अगर आप ये प्रोसेस समझ पाएंगे तो आप अपने घर में भी ये सामान करवा सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अब जैसा इसके अंदर देखिए, ये जो बेस सरफेस था इस बेस सरफेस के नीचे 2 इंच की डेप्थ दी हुई है, और उसके बाद में ये पूरा एलईडी की एक स्ट्रिप बिछाई हुई है। ये एलईडी की स्ट्रिप के पीछे की जो बैकिंग की हुई है ये भी हमने कोरियन की ही दी है, ये प्लेन व्हाइट कोरियन की दी है। अब इसमें हम चाहे तो लैमिनेट भी दे सकते थे, लेकिन हमने इसको कोरियन दिया है ताकि उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन भी ज्यादा अच्छा हो रहा है, और कभी इनकेस थोड़ा पानी वगैरह भी सीपेज वगैरह का होता है तो उसमें भी ये उसको कंट्रोल करके रख सकते। ये देखिए इसके अंदर का अरेंजमेंट कैसा किया हुआ है कि इसके अंदर भी यहाँ पे ये होल बनाया हुआ है ताकि लाइट इसके थ्रू भी पास कर सके, क्योंकि अभी इसके अंदर अगर हम लोग लाइट देते हैं तो ये लाइट की इंटेंसिटी हमारी बहुत आगे पीछे हो जाती है, और उसके मेंटेनेंस में भी अपने को असुविधा थी। अभी हमने इसके पीछे की लाइट बंद कर दी है, तो अभी आप देख पा रहे हैं लाइट जलने पे ये चीजें मे बी उतनी क्लियर नहीं दिखाई दे वीडियो में, अभी आप जैसे देख पा रहे हैं कि ऊपर से एक लाइट जल रही है, तो इसके अंदर की जो एलईडी लगी हुई है ये भी हमें ध्यान रखनी है कि एलईडी 2-3 तरीके की आती है। 2-3 तरीके का मतलब है कि एलईडी एक जो नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि 60, 120, 180 या 240 होते हैं, तो इनमें क्या फर्क है, 60 का मतलब है 1 मीटर के अंदर में 60 एलईडी बल्ब आएंगे, उसी तरह 120 में 120 एलईडी बल्ब आएंगे, 240 में 240 एलईडी बल्ब आएंगे 1 मीटर के अंदर। तो इस तरह में जहां पे आपको ऐसी यूनिफॉर्म लाइटिंग चाहिए वहां पे हम लोग 240 वाली एलईडी यूज करते हैं, ताकि उसके बीच में स्पॉट्स नहीं फॉर्म हो और लाइट भी ज्यादा रहे और उसके साथ में वो एक यूनिफॉर्म लाइटिंग भी अपने को दे पाए। अभी इसका पूरा अरेंजमेंट कैसा है कि बेसिन तो अपना बैकलिट है नहीं, इसके साथ में नीचे वाला जो काउंटर है ये भी बैकलिट है। अभी ये सारा प्रोसेस के दौरान हम लोग ये सारी चीजों को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, क्योंकि जब ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी तब ये बेसिन जो है इसके ऊपर से फिक्स हो जाएगा। लेकिन अब फिर दूसरा सवाल उठता है कि अगर अपने को कभी एलईडी खराब हो जाती है तो उसके लिए क्या करना है, तो ये जो पूरा सरफेस है इसको नीचे से खुलने का अरेंजमेंट किया हुआ है। ये बेसिन तो इसके ऊपर फिक्स कर देंगे, जैसे ये वाली बेसिन आप देख रहे हैं ये जिस पोजीशन में है ये इसमें फिक्स हो जाएगी, लेकिन ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इसको हम लोगों ने नीचे में स्क्रू करके रखा है ताकि हम लोग पूरा प्लेटफॉर्म निकाल सकते। हम लोग लाइट देते हैं तो ये लाइट की इंटेंसिटी हमारी बहुत आगे पीछे हो जाती है, और उसके मेंटेनेंस में भी अपने को असुविधा। डॉक्टर को हमने नीचे में रख लिया है क्योंकि वो बहुत आराम से निकल सके और कभी कुछ खराब हो तो चेंज हो सके। नॉर्मली कैसा होता है कि हमेशा एडॉप्टर ही खराब होता है, यूजुअली एलईडी स्ट्रिप 99% ऑफ द केसेस में खराब नहीं होती, तो जो खराब होने वाली चीज है उसके चेंज करने के लिए हमने ऑप्शन बना रखा है। देखिए अभी तो ये चीज अपने को वेल रिटेड दिख रही है, अभी इसके पीछे का जो अरेंजमेंट है वो हम लोग एक बार देखते हैं।
जैसा आप देख रहे हैं ये जो नीचे का पूरा अरेंजमेंट है इसमें ओरियन का बॉक्स और फ्री स्टैंडिंग बनाया हुआ है, जिसके ऐसे तीन साइड को जोड़ के हमने अरेंजमेंट को ऐसा बनाया है ताकि ये पूरा बाहर निकल जाए और ये फ्री स्टैंडिंग है। तो इसका फायदा कैसा है, जैसा हम लोग जानते हैं कि कोई भी इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं तो उसमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पीछे की जो लाइट लगी हुई है उसके मेंटेनेंस के लिए भी अपने पास प्रोविजन रहे। ऐसा नहीं हो कि हम लोग ये सारी चीज़ों को इतने अच्छे से फिक्स कर दे रहे हैं फिर कल कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसमें अपने पास मेंटेनेंस का कोई ऑप्शन नहीं। तो उसके लिए अभी मेंटेनेंस पर्पज के हिसाब से इसमें कैसा किया हुआ है कि ये एक पोलियम का सामान इंडिपेंडेंट हो गया, इसके पीछे में ये लकड़ी का बॉक्स लगा है जिसमें ये सारी स्ट्रिप्स दी हुई है, इसके अंदर वाली स्ट्रिप्स को देखी नहीं थी। अभी ये जो बॉक्स का तीन साइड है ये पीछे की साइड से हमने खुला रखा है और ये जो बॉक्स है ये भी फ्री स्टैंडिंग है, तो इसको भी कभी भी चाहे तो हम लोग इसको निकाल के इसमें कुछ मेंटेनेंस करना है तो वो सारी चीज़ें हम लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद भी क्या है कि इसके पीछे में शेल्फ बनाया हुआ है जिसमें इसके जो सारे ड्राइवर्स हैं वो सारे ड्राइवर्स उसके वहाँ से रखे हैं,